शाहजहांपुर में 8 दिन पहले निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। यहां अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि मुकदमे में शामिल स्कूल मालिक, आर्किटेक्ट और इंजीनियर राजनीतिक संरक्षण के चलते अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर पुलिस और प्रशासन अपना रटा रटाया सा जवाब दे रहे हैं। दरअसल थाना आरसी मिशन क्षेत्र के निवाजपुर इलाके में 14 अक्टूबर को निर्माणाधीन स्कूल की हाल की छत भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में अभी तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रशासन की तरफ से इस मामले में ठेकेदार राकेश, बिल्डिंग मालिक विजेंद्र सिंह साहनी, आर्किटेक्ट नीरज, इंजीनियर जसदीप लांबा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की सबसे कमजोर कड़ी लेबर ठेकेदार को जेल भेजकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि बिल्डिंग मालिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट खुलेआम घूमकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो तीनों ही आरोपी यूपी के एक मंत्री के संरक्षण में पहुंच गए हैं। यही वजह है कि पुलिस सभी आरोपियों को खुली छूट दे रही है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस अभी तक अपनी कार्रवाई पर अपनी ही पीठ ठोंक रही है। उसमें जितने भी अपंजीकृत मजदूर लोगों की जिनकी डेथ हुई थी, उनको 50-50 हज़ार का तो तत्काल मुआवजा दिया गया था। इसके अतिरिक्त कॉम्पेंसेशन भी दिया गया 2-2 लाख का। अभी कुछ दिन पहले एक और मजदूर की मृत्यु हुई, वो पंजीकृत था, तो उसको 5 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। उसकी जांच मेरे पास आई है, जांच चल रही है और विद इन अ वीक उसकी रिपोर्ट में सबमिट कर दूंगी। थाना आरसी मिशन में फोन करने की घटना हुई थी और इस संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।